जय हिंद दोस्तों, आज संडे है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों आज का वीडियो शेयर करने के लिए है, शेयर करने के लिए आप फौजी को न्याय दिलाना है। सिर्फ 5 साल सर्विस का फौजी है, क्या उसने ये किया सही है या नहीं सही है। मैं इस वीडियो को वहां के मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं, उनके सीओ साहब से विनम्र रिक्वेस्ट करता हूं कि फौजी को न्याय दिलाओ। और न्याय इस बात का, आप उसकी बात सुनिए मेरे साथ बोर्ड पर, समझिए कि आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्या इस देश में न्याय नहीं है? क्या न्याय उसी के लिए जिसके पास गवाह है, पैसा है और उसके पास रसूख है? यदि रसूख नहीं है तो वो न्याय के लिए भटकता रहेगा। फिर फौजी ने वो काम किया कि समाज को दिखाया है कि कानून मेरे साथ न्याय नहीं करेगा तो मुझे न्याय करना आता है। जरा देखिए इस बोर्ड पर प्लीज दोस्तों, सेना के जवान ने अपनी बहन के कातिल मुस्लिम प्रेमी के किए टुकड़े टुकड़े, लिया बदला। आप समझ गए होंगे, एक फौजी जिसकी 5 साल सर्विस है, उसने उसकी बहन के प्रेमी और उसको धोखा दिया, बहन ने किया सुसाइड, उसने लिया बदला। वो भी बदला कि आप सुनकर के हैरान हो जाओ दोस्तों। सेना का जवान सिपाही भरतार कुमाऊं रेजिमेंट में पठानकोट में पोस्टेड है, सर्विस सिर्फ 5 साल हुई है, उत्तराखंड रामनगर का रहने वाला है। वहां की एक घटना है, 2 दिन पहले 3 अगस्त को रात के 10 बजे ये घटना घटती है। घटना किस लिए घटती है कि सुहैल सिद्दीकी ने फौजी भरत की बहन का शारीरिक शोषण किया, इस वजह से फौजी की बहन ने किया सुसाइड। पहले कहानी है 2017 की, 5-6 साल पहले की है, जब सुहैल सिद्दीकी एक व्यापारी है, उसकी दुकान पे काम करता था भरत आर फौजी। इतना गरीब बच्चा था, इसकी बहन भी उसको खाना लेके जाती थी। बहन का शारीरिक शोषण उस दुकान के मालिक सुहैल सिद्दीकी ने किया, बोला मैं शादी करूंगा। दूसरे धर्म का होने के बाद भी इन्होंने देखा कि चलो शादी कर लेंगे, जो कुछ हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसने बेचारी ने सुसाइड किया, इसने केस दर्ज किया। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, तो गवाह थे इसके पास, न सबूत न पैसे, सुहैल व्यापारी आराम से बच गया। ये 2017 में फौज में भर्ती हुआ, अभी जब छुट्टी गया 8 दिन पहले, तो उसने वो कमेंट्स, भद्दे कमेंट्स किए कि तूने क्या उखाड़ा, मेरा क्या बिगाड़ा, सब कुछ कर दिया। अहंकार में, एक तो गलती फिर अहंकार, कानून भी कुछ नहीं कर पाया और इसके दिमाग में बस लग गई आग। रात के 10 बजे उसको घेरता है नहर के ऊपर और लोहे की रॉड से सब कुछ कर देता है, यानी बोलने लायक नहीं छोड़ा है। बोला जो मैंने किया वो हां किया, पुलिस में पुलिस ने अरेस्ट किया, तमाम चीजें हुई, आज वो उसको जेल भेज दिया गया, वो छुट्टी पर था 15 दिन की। लेकिन क्या है? हम आपसे राय चाहते हैं, क्या ये सही था? आखिर वो सुहैल को कानून ने सजा क्यों नहीं दी? अब कानून के सामने न तो गवाह थे, न सबूत, न पैसे, अब कानून के पास इन चीजों का अभाव था, उसको न्याय नहीं मिला। उस न्याय के लिए उसने खुद को डिसीजन लिया कि नहीं, अब तो ये मुझे भी जीना मुश्किल कर रहा है, मुझे भी बदनाम कर रहा है, तो क्या उसने किया सही किया? अपने दोस्त के साथ मिलकर जो किया, जो शायद ये इसके लिए बनती थी सजा। अब बात आती है कि पुलिस बड़ी डींगे मार रही है कि फौजियों को कटघरे में किया, फौजी ने कानून को हाथ में लिया। अब कानून को हाथ में किसने दिलाया उसको, उसकी क्या मजबूरी रही, ये अब लोग समझने वाले नहीं है आज के प्रजातंत्र में। फौजी है जो समाज में सबकी रक्षा करता है, क्या वो अपनी रक्षा, अपनी बहन की रक्षा करने में आपकी तरफ देखा? गया, भटका, एक गरीब बच्चा था, लेकिन उसने ये डिसीजन लिया। शायद ये डिसीजन कानून और उनके लिए तो खिलाफ है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, कानून अपनी कार्रवाई करेगा, लेकिन हमने इसके कार्रवाई के लिए, मैं माननीय धामी जो सीएम साहब हैं उनको देखेंगे, इसकी विवेचना पीछे से करिए, समझिए उसकी मनोस्थिति क्या थी। मैं माननीय कमान अधिकारी महोदय से दरखास्त कर सकता हूं, उसके लिए जो संभव है वो कर सकते हैं। आप लोगों से ये विनम्र रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनकी साइड पे जाए, लगे नहीं लोगों में क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कमेंट्स आते हैं। आखिर समाज में इस तरीके के एक मेंटली और फिजिकली डिसिप्लिन्ड आदमी हो, वो इस तरह कर सकता है, उसको उकसाया गया, भड़काया गया, उसका किसी पर भरोसा नहीं रहा, तब उसने कानून को अपने हाथ में लिया। प्लीज दोस्तों करिए कमेंट्स, धन्यवाद।